जी, श्री सचिन पायलट जी, श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा जी, श्री गोविंद दोतासरा जी, श्री सीपी जोशी जी, श्री रमेश मीना जी, श्रीमती शकुंतला रावत जी, श्री जुबैर खान जी, श्री प्रशांत बैरवा जी, श्री काजी निजामुद्दीन जी, श्री वीरेंद्र राठौर जी, अमृता धवन जी, गोविंद राम मेघवाल जी, हरीश मीना जी, मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी, सरकारी अधिकारी और मेरे भाइयों और बहनों, आपको इस सभा में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। वीर भूमि राजस्थान का सभी भाइयां बहना ने मारो राम राम साहब। मने विश्वास है कि जोधपुरिया देव जी और धन्ना भगत जी का आशीर्वाद मुंह है सगला अच्छा हो। दुनिया के कोने कोने से लोग भक्ति, शक्ति, वीरता और अपनायत की धरती राजस्थान में आते हैं, इस धरती को देखने आते हैं, इस धरती के बारे में सीखने आते हैं, यहाँ की पुरानी कहानियों को सुनने आते हैं और ये देखने आते हैं कि यहाँ की वीर और साहसी जनता किस तरह से अपने जीवन के संघर्ष में आगे बढ़ रही है। आपका प्रदेश कर्तव्य, सेवा और वीरता का मिसाल है। इस प्रदेश पर, राजस्थान पर हमारे पूरे देश को गौरव है। आप बहुत तालियां बजा रहे थे, एक बार मेरे साथ कहिए, जोधपुरिया देव जी की जय, धन्ना भगत जी की जय, अन्नपूर्णा गणेश जी की जय, दिग्गी कल्याण जी की जय। दिग्गी कल्याण जी की कथा तो आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ये आपकी परंपरा का हिस्सा है। आपको याद होगा कि उन्हें प्रसन्न करने के लिए राजा को बहुत तपस्या करनी पड़ी, तभी जाकर वो प्रसन्न हुए। उसी तरह से जो हमारा देश एक लोकतंत्र कहलाया जाता है, लोकतंत्र में जनता ही भगवान होता है, धोती है, जनता जनार्दन है। जनता की सेवा, उसका सत्य, उसका सच्चा अर्थ क्या होता है कि जनता सबसे सर्वोपरि है, परि है, सबसे ऊंची जनता होती है। यही हमारी देश की राजनीतिक परंपरा रही है। आप अगर गांधी जी को देखें, जिसने देश की राजनीतिक नींव डाली, स्वतंत्रता संग्राम लड़ा हमारे लिए, इस देश को आजाद किया, उनको देखिए उनमें कितनी सादगी थी, किस तरह से उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की जनता को दिया। हमेशा ये कहते थे कि देश का गरीब सर्वोपरि है, कहते थे कि जब तक इस देश के एक भी वासी के आंखों में आंसू है, जब तक वो आंसू हम नहीं पोंछ पाएंगे, तब तक हमारा काम पूरा नहीं हुआ। यही हमारी लोकतंत्र की नींव है, हमारी राजनीति की नींव है। आज राजस्थान सरकार भी अपने जन कल्याणकारी कार्यक्रम से, योजनाओं से इसी तरह आगे बढ़ रही है, ये समझकर कि गरीब को गणेश जी समझकर और किसान को भगवान समझकर। यही मन, यही भावना